नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 को लेकर मेरे पास 8 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और इसीलिए ये वीडियो भैया आप लोगों तक जा रही है क्योंकि सबसे पहली और बड़ी अपडेट है आईपीएल 2024 की स्टार्टिंग डेट को लेकर। और जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में दैनिक जागरण की रिपोर्ट ने ये क्लेम किया है कि आईपीएल 2024 का शुभारंभ भैया इस कुंभ का आरंभ आपको देखने को मिलेगा लगभग 22 मार्च से। और जी हाँ भैया, अगर आप क्रिक पॉइंट फैमिली का हिस्सा है तो मुझे याद है कि लगभग 10-11 दिसंबर की वो तारीख थी। ऑक्शन के भी पहले भैया हमने आपको ये बता दिया था कि 22 मार्च यानी कि शुक्रवार वो दिन होगा जब आईपीएल 2024 का आरंभ होगा। उस वक्त भैया काफी लोगों को ये चीजें काफी सरप्राइजिंग लगी थी, लेकिन हमारा ये एक्सक्लूसिव था। हालांकि दोस्तों मैं आपको ये भी ऑनेस्टली यहां पे जो है एडमिट करूंगा कि बाद में हम भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए क्योंकि कुछ मीडिया आउटलेट ने ये क्लेम किया कि नहीं 24 मार्च से स्टार्ट होगा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी। लेकिन अंत परंतु वही बात अब यहां पर सही प्रतीत होती नजर आती है जो हमने शुरू में कहा था लगभग यहां पे 10-11 दिसंबर को। और भैया स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जाए प्रूफ के तौर पर। जी हां, आप अगर आप यहां पे ना दो जगह पर होने चाहिए। सबसे पहले मैं हमेशा कहता, एक तो क्रिक पॉइंट का यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं ये तो सब्सक्राइब्ड है ही, और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा होना चाहिए। जी हां, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रियल क्रिक पॉइंट हमारे टेलीग्राम का वो जो कहते हैं ना आईडी का नेम होता है, अगर आप यहां पर है तो मेरी समझ से आपको आईपीएल की सारी खबरें एक्सक्लूसिवली सबसे पहले मिलती रहती हैं। और एक बार फिर से भैया क्रिक पॉइंट ने प्रूव किया है कि सबसे पहले खबर दी थी और सबसे सही और सटीक खबर दी थी। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स का यही मानना है कि 22 मार्च से आईपीएल 2024 की शुरुआत होगी और लगभग मई एंड में अब ये खत्म होता नजर आएगा। थोड़ा सा सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि वो इलेक्शंस भी उसी टाइम पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बीसीसीआई भी वेट कर रही है ऑफिशियल से। यहां पर जो अधिकारी हैं जो सरकार में हैं उनसे भी लगातार बातें चल रही हैं कि आप इलेक्शंस की क्या डेट रखेंगे, कैसे रखेंगे, उस हिसाब से ताकि चीजें यहां पर मैनेज हो जाए। क्योंकि बीसीसीआई और जयशाह यही चाहते हैं कि आईपीएल 2024 भारत में ही हो और पूरी तरीके से भारत में कराया भी जाएगा। लेकिन इसी बीच जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि बीसीसीआई हाल फिलहाल में, जैसा मैंने बताया, कि बातचीत कर रही है सरकार से और उसमें यह डिसाइड किया गया है कि वो मैचेस जो क्लैश करेंगे यहां पर इलेक्शन से, मान लीजिए कि जिस प्रदेश में जो है यहां पे मैचेस होने वाले हैं, अगर उसी प्रदेश में उस टाइम वहां पर इलेक्शंस भी होंगे उसी राउंड में, तो वहां से वो मतलब मैचेस जो है हटाकर किसी और वेन्यू पर कर दिए जाएंगे। तो वेन्यूज यहां पर काफी ज्यादा इधर उधर हो सकते हैं, ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं कि ये आपको देखने को मिलेगा कि इस वेन्यू के बजाय उस वेन्यू, उस वेन्यू के बजाय इस वेन्यू, ऐसे मैचेस का थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिलेगा। वो होम एंड अवे वाले फॉर्मेट में थोड़ा बहुत इधर उधर आपको 19-20 देखने को मिल सकता है। ये भी यहां पर बड़ी खबर है आईपीएल 2024 को लेकर। लेकिन अभी ये चीजें फाइनलाइज करी जाएंगी इलेक्शंस की तारीख आने के अनुसार। और उसके बाद भैया जो तीसरी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, ये तो बहुत बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस के सभी फैंस और भैया सूर्य कुमार यादव के फैंस के लिए, क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव को एक बड़ा झटका लगा है। आप लोगों को बताया कि हाल फिलहाल में वो इंजर्ड थे, इसी वजह से अफगानिस्तान सीरीज के लिए भी अनअवेलेबल थे। और अब रिपोर्ट्स का ये कहना है कि दोस्तों वो यहां पर स्पोर्ट्स हार्निया की प्रॉब्लम से यहां पर सफर कर रहे हैं, इंजरी से सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी के लिए जर्मनी जाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स का ये मानना है कि वो विदेश जाते नजर आएंगे। अब क्या वो जर्मनी होने वाला है, इस पर बहुत ज्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं है, पर यही बताया जा रहा है कि वो जर्मनी जाएंगे, अब उनकी सर्जरी होगी और उसके बाद वो वापसी करते नजर आएंगे। तो सवाल यही है कि भैया कितना टाइम लगेगा और क्या वो आईपीएल 2024 के लिए फिट रहेंगे या फिर नहीं, चलिए आगे आपको बताता हूं। लेकिन इसके पहले कि आप लोग जान लीजिए कि अब आ रहा है भैया S20 लीग, और अगर आपको बनानी है टॉप क्वालिटी फैंटेसी जो है टीम भैया इस पूरे S20 लीग में ना, तो मैं तो आप जानते हैं कि पते पर बनाऊंगा और आप भी वहीं पर बनाइए, ये मैं रिकमेंड करूंगा। नाम है भैया क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी। आप सभी लोग जानते हैं कि भैया टॉप क्वालिटी फैंटेसी ऐप है हम सभी क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए ही बनाया गया है। ऐसे ही थोड़ी प्ले स्टोर पर सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, ऐसे ही थोड़ी भैया एकमात्र ऐसा फैंटेसी ऐप है जहां पर अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट में लास्ट भी आते हैं फिर भी यहां पर आपको प्राइजेस दिए जाते हैं, आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं क्रिक28 तो आपका जीएसटी भी रिफंड कर दिया जाएगा और आपको ऐसे कॉन्टेस्ट में फ्री में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा जिसमें आप 5,000 तक जीत सकते हैं। तो भैया फ्री में मतलब जाओ, टीम बनाओ और पैसे बनाओ, इतना आसान है क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अभी के अभी जाइए S20 लीग में भैया अपनी किस्मत का ताला खोल लीजिए। और चलिए हम सूर्य कुमार यादव की अपडेट पर वापस आते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि अगर वो जर्मनी के लिए अब रवाना होते हैं और उनकी सर्जरी होती है तो लगभग ये बताया जा रहा है कि 9 सप्ताह यानी कि 2.5 महीने के आसपास लग सकते हैं उनको यहां पर इस सर्जरी से रिकवर होने के लिए। और याद रहे कि ये सर्जरी से रिकवर पीरियड का टाइम है, इसके बाद आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फिर यहां पर वो अपनी मतलब जो है वो रिहैबिलिटेशन का आप कह सकते हैं कि प्रोसेस एक होता है ना कि थोड़ा सा आप सर्जरी के बाद आएंगे, थोड़ा सा जिम विम जाएंगे, थोड़ा सा अपनी आपको अपने बॉडी को शेप करेंगे, उसके बाद आप अपने फिटनेस लेवल को अपग्रेड करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर आप नेट्स में प्रैक्टिस करेंगे और पूरी तरीके से जब आप फिटनेस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तब आप अवेलेबल होंगे यहां पर आईपीएल 2024 या फिर अपनी मतलब अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए, अपनी डोमेस्टिक टीमों के लिए। तो ऐसे में ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जो इनका डोमेस्टिक अभी हाल फिलहाल में ये जो मैचेस होंगे इसको तो सूर्य कुमार यादव मिस ही करते नजर आने वाले हैं। और रही बात अगर आईपीएल 2024 को लेकर, तो
तो वैसे तो अभी ये बताया जा रहा है कि सूर्यकुमार यादव लाइकली भैया मार्च के मिड तक ही वो फिट हो जाने वाले हैं। और क्योंकि अगर आप जैसा देखा कि आपने 22 मार्च के आसपास आईपीएल के स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं, विच एक्चुअली मींस कि शायद वो तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक आधा दो मैचेस एज अ पार्ट ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर मुंबई इंडियंस को उनको बिठाना भी पड़े। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि उनकी रिकवरी किस तरीके से होगी और कब तक वो तैयार हो जाने वाले हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जितना उम्मीद थी उससे तो कहीं ज्यादा डिलेड है और आईपीएल 2024 के कुछ मैचेस संकट में आ सकते हैं। लेकिन ओवर एंड ओवर ये बताया जा रहा है कि लाइकली वो फिट रहेंगे, तैयार रहेंगे आईपीएल 2024 के लिए। तो ऐसे में ये मुंबई इंडियंस और सूर्यकुमार यादव के फैंस के लिए भैया बड़ी अपडेट। और नेक्स्ट अपडेट सीएसके के फैंस, एमएस धोनी के फैंस के लिए। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 में अपने ट्रॉफी को डिफेंड करने के लिए सीएसके के कप्तान एमएस धोनी भैया मैदान पर उतर चुके हैं और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। ट्रेनिंग के हाल फिलहाल के काफी विजुअल्स हम सभी लोगों ने देखे हैं और हाल फिलहाल में तो स्टीफन फ्लेमिंग ने बोला भी कि एमएस धोनी तो एकदम भैया और जवान नजर आ रहे हैं और तरीके से तैयार होते नजर आ रहे हैं आईपीएल 2024 के लिए। लेकिन हमें बताएं कि वो ट्रांजिशन फेज आ रहा है और हम उस चीज के लिए भी तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं स्टीफन फ्लेमिंग साहब ने वो हिंट भी दी है भविष्य को लेकर, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि एमएस धोनी आईपीएल 2024 के लिए तो पूरी तरीके से आपको तैयार नजर आते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि हाल फिलहाल में काफी सारे रूमर्स उठ रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि भैया विराट कोहली आईपीएल 2024 में आरसीबी टीम की कमान फिर से थाम सकते हैं और इस टीम के कप्तान बन सकते हैं। और इसको लेकर जो दलीलें दी जा रही हैं वो यही दी जा रही हैं कि देखिए अब वो टी20 टीम में वापस आ चुके हैं, अब यहां पर जो है जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, फॉर्म रहेगी, उसको ध्यान में रखते हुए उनके आगे के करियर को ध्यान में रखते हुए एक फेयरवेल उनको यहां पर मिलना चाहिए और ऐसे में वो एज अ लीडर ही आरसीबी टीम से जो है रिटायर होते नजर आएंगे। मतलब 2024 में नहीं, कहने का मतलब यह है कि आगे खेलते हुए अब वो एज अ लीडर ही उस टीम की तरफ से जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इन खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये सब पूरी तरीके से बकवास, बोगस और कहीं ना कहीं आप फेक न्यूज के कैटेगरी में डाल सकते हैं, रूमर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि फैंस का वो एक इमोशनल पर्सपेक्टिव रहता है तो वो उन चीजों से इस चीज मतलब इस एंगल को जोड़कर देखते हैं। पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। काफी लोगों का ये मानना है कि फाफ डुप्लेसिस की जो इंजरी थी उससे रिकवरी उनकी थोड़ी सी स्लो चल रही है, इस वजह से अगर वो रिकवर नहीं होते एंड ऑल, बट ये भी पूरी तरीके से खराब चीजें हैं, बकवास चीजें हैं, क्योंकि SA20 में वो ऑलरेडी भैया जोबर्ग सुपर किंग्स टीम के कप्तान है और वो काफी हद तक अब फिट हो चुके हैं, तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं रहेगा। और अभी भी आईपीएल को बहुत ज्यादा टाइम है, तो फाफ डुप्लेसिस पूरे तरीके से फिट भी हैं, तैयार भी हैं और वही आपको लीड करते नजर आएंगे भी आईपीएल 2024 में। तो भैया विराट कोहली के फैंस को मैं दुख नहीं देना चाहता, पर रियलिटी यही है और रियलिटी को आप जितना अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, आपके खिलाड़ी के लिए और आपकी टीम के लिए। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है, वो आ रही है उन तीन डाउटफुल अफगानिस्तान प्लेयर्स को लेकर जिनकी एक वीडियो में हमने बात की थी। हमने बताया था कि मुजीबुर रहमान एंड नवीन उलक और फजल उक फारूकी, ये तीन खिलाड़ी हैं जिन पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भैया सख्त एक्शन ले रहा है और इनके एनओसी भी यहां पर जो है जब्त कर लिए गए हैं कि आपको भैया हम फॉरेन लीग में नहीं खेलने देंगे। और जिसकी वजह से आईपीएल 2024 के लिए भी ये सारे खिलाड़ी डाउटफुल नजर आ रहे थे और इनफैक्ट हाल फिलहाल में तो मुजीब साहब को बीबीएल से वापस भी बुला लिया गया था। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल की अपडेट ये है कि ये तीनों खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपनी ही टीम के लिए अपने स्क्वाड में एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। तीनों ने कहीं ना कहीं एक तरीके से माफी मांग ली है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और मामला यहां पर सेटल होता नजर आ रहा है, जिसका मतलब यही है कि आईपीएल 2024 में आपको ये तीनों खिलाड़ी मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव नजर आएंगे और अपनी अपनी टीमों के लिए अवेलेबल भी नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में भैया लखनऊ, हैदराबाद, केकेआर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहां पर निकलकर सामने आई, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और ऐसे में दोस्तों ये रही आईपीएल 2024 को लेकर मेरे पास 8 बड़ी खबरें जो फटाफट से हमने आप लोगों तक पहुंचा दी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो भैया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके की जेन्युइन अपडेट्स जानने के लिए फिर से बता रहा हूं, दो डेस्टिनेशन, एक हमारा यूट्यूब चैनल, एक हमारा टेलीग्राम चैनल, और इसके अलावा कुछ और वीडियोस मैंने यहां पर एनालिसिस वाले अटैच कर दिए हैं, आप जरूर जाइए चेकआउट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।